बेनीपट्टी के अकौर गांव में आपसी रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई में जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। अकौर गांव के राजकुमार ठाकुर व आनंद कुमार ठाकुर ने अपने गांव के ही कुछ लोगों पर जबरन निजी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। अकौर गांव के राजकुमार ठाकुर व आनंद कुमार ठाकुर ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर बेनीपट्टी थाना से लेकर जिले के एसपी तक को सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। गांव के ही कुछ लोगों ने हमारे निजी जमीन को कब्जा कर रास्ता बना लिया है। मामले को लेकर आनंद कुमार ठाकुर ने बताया कि वो कब्जा से पूर्व बेनीपट्टी थाना दौड़ते रहे, हर बार पुलिस एफआईआर के नाम पर टड़काती रही। वहीं 25 मई को बेनीपट्टी पुलिस ने उन्हें व उनके भाई को दिन भर थाना पर बैठाए रखा। उधर दबंग लोग उनके जमीन पर कब्जा करते रहे। उस जमीन पर इस तरह उत्पात मचाया गया कि जमीन पर लगाए गए सभी पौधे और घर का सामान तालाब में फेंक दिया गया। वृद्ध का आरोप है इस कब्जे के खेल में पुलिस के हाथ भी नगद नारायण लगे हैं, जिसके कारण कोई भी पदाधिकारी उन लोगों को कब्जा करने से नहीं रोक रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आनंद कुमार ठाकुर है। क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ पे है जो अचानक जो है सो 25 तारीख को बोले कुछ लोग जो है सो आके और हमारे घर को लूटपाट शुरू कर दिए और घर उजाड़ के, दो घर था दोनों घर को उजाड़ के ले गए। जब मैंने मना किया ऐसे क्यों कर रहे हैं तो बोले जान से मार के जो है सो ख़त्म कर देंगे। मैं अपना जान बचा करके थाना पे गया। थाना पे जब गया तो वहाँ पे जो है बोले जो बैठिए थाना पे, हम क्या हो गया? हम बोले सर जो है तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए, कम से कम आप लोग चल के देख लीजिए और इन लोगों को भगाई जो है सो जो भी है। तो बोले अरे कोई बात नहीं, तो ऐसे अभी बैठिए ना। बैठते बैठते जो है से बैठ के अंत में जब वहाँ से फिर मेरे घर से फ़ोन आता रहा जो ये लूट रहा है, तो उसके बाद बोलते गए और उसके पर कोई एक्शन नहीं ले गए। हम लोगों को जो है सो करीब 8:30 बजे रात में वहाँ से हम थाना से लौट करके आए। बोले ठीक है, मैंने गाड़ी पुलिस की भेज दी है, लेकिन कोई वहाँ मदद नहीं मिला। तब तो जितना था मेरा सब काट कूट के सब बराबर करके दो घर लूट के ले गए। ये मामला सर इसलिए हुआ कि जो ये लोग बोले कि जो ये जो आपके घर जो है ना, इसको तोड़ के हमको रास्ता चाहिए। हम बोले जो घर दे करके किसी को रास्ता तक न हुआ है, मेरा निजी ज़मीन है और जो है सो हम इस तरह के रास्ता आपको नहीं होने देंगे, जबकि बगल में गवर्नमेंट रोड है, सब कुछ है, इसलिए मना करने पर इन लोगों ने जो है सो ज़बरदस्ती जबरन ये काम किया। इसमें बेनीपट्टी पुलिस का सह था उस सबको? हाँ सर, ये लोग खुद बोल भी रहे थे कि मैंने पैसे से पुलिस को खरीद लिया है, जो भी ऐसे जो भी बोल रहे थे, उनको जैसे पता चला जो है सो ये इनको जाने थाना जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ये। और आप थाना गए तो कुछ नहीं हुआ? थाना गए तो कुछ नहीं हुआ। कितने दिन थाना दौड़े हैं? थाना लगातार दो तीन दिन दौड़ते रह गए जी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया गया जो है सो। और आपकी ज़मीन जो है पर जो है कब्जा कर लिया गया? हाँ, मेरे ज़मीन पे जो है सो मतलब जो है सो पूरे नष्ट भ्रष्ट उसको कर दिया गया, जो है सो पूरा बड़े ज़मीन को खुद काट करके सब फेंक फेंक दिया गया। वहाँ पे अपना जो भी घर आंगन का मिट्टी था उसको वहाँ पे फेंक दिए। जब तक आप थाना पर थे तब तक यहाँ पे काम जारी था? काम जारी था, शाम तक जारी था। केस आए थे बेनीपट्टी थाना से, वहाँ पे उनके सामने जो है सो सर चंद मिश्र और ये जो है ना, ये बोले कि जो हम जितना है ये तो रास्ता हम लेके रहेंगे। हम बोले जो हमारे जो है सो अपना जो है सो ये निजी ज़मीन है, निजी घर है, सब कुछ है, घर उजाड़ के हम रास्ता खोल देंगे। उस पर उन्होंने जो है सो बोला जो हम कानून नहीं मानते हैं। हम बोले हम तो कानून के शरण में शुरू से कानून में विश्वास किए और करेंगे, और जब तक है दम जब तक हम सकेंगे तब तक कानून का ही सहारा लेंगे। उस पर राकेश राय जो भी थे, दरोगा जी थे यहाँ पे जो आए थे इंस्पेक्शन में यहाँ, तो उनके सामने सर हम कानून नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बोले कानून तो मान ही लेना चाहिए बहुत कहने पर, लेकिन उसके बाद हमको बोले जो ठीक है ये काम कीजिए, आप लोग समझौता आपस में कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, ठीक रहेगा। बोले सर जब ऑलरेडी आगे वैसे रास्ता है, इनको रास्ता है, तो घर देके हम रास्ता हम नहीं देंगे। उन्होंने बोला ठीक है तो लास्ट में वही करेंगे, नहीं मानिएगा आप लोग तो पुलिस का काम है, हम आके समझा दिए, नहीं तो बस यही होगा, जब मर्डर हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा तो लाश लेने के हम आएंगे, लाश लेके चले जाएंगे, यही होगा, नहीं मानिए यही बात वो बोले। हम बोले सर तो इसीलिए आपके शरण में, कानून के शरण में गए हैं, यही बात हुई। अपना उसके बाद बोले हम जा रहे हैं। न्याय की उम्मीद में थाना से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों तक न्याय की गुहार लगा रहे अकौर गांव के राजकुमार ठाकुर व आनंद कुमार ठाकुर ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है।